क्यों रो रही हो? बताना चाहोगी कैमरे में? गाइस ये माय न्यू होम का ये रास्ता है। सो के उठे हैं नींद में, अभी ब्रेकफास्ट किया है बस। आशु चलो उठो, अब चलो ना जल्दी उठो। मैं तो उठा नहीं, तुम तैयार हो जाओ। आप इतनी देर से उठे हो, जब से सो के उठे हो लेटे ही हो। तैयार हो गया मैं, उठो तुम चलो जल्दी, रेडी हो? हाँ हो गया मैं। गाइस आशु बहुत ना, क्या कहते हैं आशु उसको, क्या कहते हैं जो सोते रहते, लीजे आलसी, आलसी इंसान है। पूरा दिन उठ सोते रहते हैं, बस टीवी देखते रहते हैं, ये एल्विश यादव का ब्लॉग देखते रहते हैं, बस यही काम है इनका। एक सौरभ जोशी का ब्लॉग, एक अल्पेश यादव का ब्लॉग और एक डिंपल मेहरा है, डिंपल मलान, डिंपल मलान, ये तीन ब्लॉग आशु पूरे दिन देखते हैं। बस मेरा ब्लॉग नहीं देखते टीवी पे, बाकी सारे तीन ब्लॉग तो पूरे दिन चलते हैं, सबका टाइमिंग पता है। उसका सौरभ भाई का ब्लॉग कब डलता है? सुबह 8 बजे। और अल्पेश यादव का 12 बजे। और मिले उसका क्या नाम है उसका, डिंपल मालान, हाँ उनका 2 दिन में एक बार डलता है। बताओ और मेरा ब्लॉग कब डलता है? तुम्हारा जब मेरा मन करता है तब डलता है। तब डलता है, देख रहे हो कितने बदतमीज इंसान है ये। मेरा ब्लॉग नहीं डालते एडिटिंग करने के लिए, मैं बोलती हूँ मुझे बता दो एडिटिंग, तो मुझे भी नहीं बताते हैं। तो मतलब ये भी अभी भी उन्हीं का ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग के बारे में अभी उठ भी नहीं रहे, ब्लॉग में इतने बिजी हो रहे हैं देखने के लिए, और अभी उठ ही नहीं रहे। मैं कब से बोलूँ, चलो मैं रेडी हो गई टाइम से, चलो और मुझे आके कपड़े भी वॉश करने हैं। आशु चलो खड़ी तो हो जाओ, ये ब्लॉग खत्म होने का वेट कर रहे हो? बंद कर दूंगा मैं, चलो खड़ी हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं रेडी हूँ इतनी देर से। चलो फिर हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो ये आशु बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैं हो भी रेडी है, तो हम अब निकल रहे हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है मास्क पे, मिलते थोड़ी देर में। अभी जनरेटर नहीं चल रहा ना, इसमें आ रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। अभी हम मकान का टूर कराया, मकान दिखाया, अब मैं इसके घर आ गई। इसे पता ही नहीं कि मैं इसके घर आ गई हूँ, क्योंकि अभी भी इसके कॉल आ रहे थे तो मैंने रिश्ते में उठा ही नहीं। और ये मुझसे गुस्सा हो गई है कि मैं आने गई, इतने दिन से रोज बोल रही हूँ आऊँगी आऊँगी। आशु गेट बजा रहे, बजाओ। संग पॉपआउट हो गया, हम उसको सरप्राइज देने आए थे, उसको पता ही नहीं, और वो अपने हस्बैंड के संग अपने पुराने वाले घर पे चली गई, और शायद अगर मैं उससे फ़ोन करती तो वो मिलती। बहुत बड़ा पॉपआउट हो गया है तुम्हारे साथ। आओ भाई शांत क्या आई, मैंने अभी से कॉल किया तो कह रही मैं तो फ़ोन भी घर पे बच्चों के पास, और ये तो बहुत बुरा, इतनी दूर से आई हुई वो मुझे मिली भी नहीं। अब और गुस्सा हो जाएगी, तुमने फ़ोन करके क्यों नहीं आ सकती थी,
चलो कोई बात नहीं, बाद में मिल लूँगी उनसे। आओ मूड ऑफ। क्यों रो रही हो, बताना चाहोगी कैमरे में? क्यों रो रही हो आप, क्यों रो रही हो आप, चलो बताओ। मैं कह रही हूँ हट जाओ बस मुझसे बात कर। आज जगाओ अपना गुस्सा, व्लॉग में तो बड़ी तमीज से बात कर रही हो। हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे आप, क्यों रो रही हो, रो क्यों रही हो? प्लीज आप मुझसे बात मत करो बस। रोते हुए भी इतने प्यार से, कोई कैसे इतना एक कैमरा अच्छे अच्छे भी बोलती, मैं सुधार ला देता है पता। चलो सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ बस आज के बाद नहीं रोगी। चलो आप मुझे माफ़ करो, बोलो मैंने माफ़ कर दिया। हम घूमने चले गए, नहीं मुझे नहीं जाना कहीं। मूर्तल आए आए ऐसी ऐसी आ जाएगी अब तो। चलो गरम धर्म पे आज डिनर, आज मेरी तरफ से पक्का प्रॉमिस, गरम धर्म पे चलेंगे आज। मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे मेरे घर जाना है बस। तो घर तो तुम जा ही रही हो अभी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। किया क्या है मैंने बताओ? तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई ना, मैंने बोला था मुझे आइसक्रीम खिला दो। अरे तो आइसक्रीम अभी ठंड हो रही है और तबीयत खराब हो रही है ना यार, प्लीज आज मैं चलो खिला दूंगा, कल खिलाऊंगा। मुझे अब भी खानी है सी। चलो 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 खिलाता हूँ तो। चलो तो सही, यहाँ लाऊंगा क्या आइसक्रीम? चलो खड़ी हो जाओ, चलो चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ। चलो अपनी खानी, मैंने बोला ना मुझे अपनी खानी तो नहीं खानी मुझे। चलो जल्दी, मैं आशु से गुस्सा नहीं हूँ। अब आशु ने मुझे मना लिया, मुझे आइसक्रीम खिला दी, पिज्जा भी खिला दिया आशु ने, तो मैं गुस्सा नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, देखो गाइस सारे कपड़े अब धोने पड़ेंगे, कपड़े मन नहीं कर रहा कपड़े धोने का, बहुत सारे कपड़े होने हैं बट क्या धोने पड़ेंगे। शाम को तो खाना बनाना नहीं है क्योंकि आशु मुझे डिनर पे लेके जाएंगे, प्रॉमिस किया है तुमने। देखेंगे, ले पिंकी प्रॉमिस करो। तो देखो गाइस पिंकी प्रॉमिस किया है मुझे, तो मेरे को जाएंगे, तो मैंने सोचा मैं अब कपड़े धो लेती हूँ और तो शाम को डिनर आएगी। तो गाइस चलो मैं कपड़े वपड़े धो के फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस अब मेरे कपड़े धो के फाइनल हुए, रात के बज गए हैं 10:30। मैंने 4 बजे से मशीन लगा रखी थी और तब क्योंकि कपड़े सारे घर के थे, पर्दे वगैरह सारे सब धोए हैं और क्या कहते हैं डिनर का प्लान हो गया फ्लॉप। सो कोई बात नहीं, मैंने फ्लॉप कराया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी सुबह से कपड़े धो धो के। और आज फिर मैं फ्रेंड के यहाँ भी गई थी, अंकुल भी आ तो वहाँ से भी आके मशीन लगाई तो बहुत थक गई थी, तो आशु कहते कि चलो परी चलते कोई बात नहीं, बट मैंने मना कर दिया। और अब आशु ने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया है तो बस डिनर का प्लान कैंसिल हो गया। तो गाइज देखो मेरे करने कितने अच्छे, मेरे संग पूरी हेल्प कराते हैं ये, मेरे देवर नहीं मेरे लक्ष्मण जी हैं ये। तो बेचारे लोगों तो सारे कपड़े आज तो कुछ कराते नहीं, आज लेट के टीवी देखने लग गए बेचारे। उन्होंने कहा भाभी आप थक गई होंगे तो मैं आपके संग कप थोड़ी हेल्प करवा लेता हूँ। देखो हेलो कर लो गाइस को। हेलो गाइस, तो ये मेरे लक्ष्मण जी और मैं इनकी सीता हूँ, और राम जी को तो कोई दिन ही नहीं है, मतलब बस सोने में बिजी रहते हैं। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत प्यार देना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।